नाया का रिश्ता मायर के लिए ऐसी तल्ख याद बन जाएगा जिससे वो कभी याद नहीं करना चाहेगा। तब तुम उसे काम आओगे। अरे आंटी, मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर हमारा मकसद उन दोनों को अलग करना है तो फिर इंतजार किस बात का? कौन है वहां? हेलो, कौन है वहां? तुम छुपकर हमारी बातें सुन रहे थे? आपको अंदर किसने आने दिया? वो सलाउद्दीन। अरे छोड़िए, क्यों बुला रही हैं उस बेचारे को? आपस का मामला है, हम तय कर लेते हैं। काफी समझदार खातून है। आपकी आवाज की गरज से डर जाएगा और फिर आप दोनों के इरादे सुन लेगा तो क्या सोचेगा? मैडम कुछ नहीं, वो आपस का मामला है, हम खुद ही निपट लेंगे। आप जाइए। यस, काफी अच्छी खातून, अपने रिश्तेदारों का काफी अच्छे से ख्याल रखती हैं। और एक चीज सुन के मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं हुआ। बाकी सारी सासों की तरह आप भी अपनी बहू की दुश्मन हैं और आप माहिर की होने वाली फ्यूचर वाइफ हैं। आप है ना, अंदाजा हो गया मुझे। मायर के लिए ऐसी तल्ख याद बन जाएगा जिससे वो कभी याद नहीं करना चाहेगा। ऐसे आदमी में बहुत काम का हूँ और आप दोनों के काम भी बहुत आऊंगा। लेकिन सारी बातों में एक बात तो मैं भूल ही गया, आया एक्चुअली मैं इंटरव्यू देने के लिए था। ये रखी हुई मेरी सीवी, लेकिन ऑब्वियसली अब इंटरव्यू देने की जरूरत तो नहीं है मुझे। नौकरी पक्की समझो, तो कल सुबह से ज्वाइन कर, ठीक है? ये ठीक नहीं हुआ, उसने हमारी सारी बातें सुन ली। इडियट कहीं का लीना, बहनों ही किसका। जो भी है, अगर उसने ये सब कुछ मायर को बता दिया तो हम क्या करेंगे? फिक्र नहीं करो, मुझे मुंह बंद करना आता है ऐसे लोगों को। मक्कार, मुनाफिक, लालची, all they want money, that's it।